नमस्ते। आज आपने अपने दांतों की सफाई करवाई तो आज आपके दांत काफी ब्राइट व्हाइट हो गए, आपके मसूड़े हेल्दी हो गए, आपके दांतों के अंदर सड़न होने के चांसेस काफी कम हो गए, आपकी जो ब्रेथ है वो फ्रेश हो गई और आपकी जो जनरल हेल्थ है जिसके ऊपर दांत के आसपास जो बैक्टीरिया रहते हैं, मसूड़ों के आसपास जो बैक्टीरिया रहते हैं वो सब चले गए, इसलिए आपकी जनरल हेल्थ में भी सुधार हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी आपको ध्यान क्या रखना है, तो अभी आप 30 मिनट्स के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, ठंडी गर्म चीज या कुछ भी तीखी चीज, ठीक है। लेकिन आपको बहुत सारी गर्म चीज, बहुत ही ठंडी चीज, अतिशय कोल्ड है या अतिशय गर्म है उसको अवॉइड करना है। दूसरी चीज, आपको स्मोकिंग नहीं करना है। जैसे ही हम दांत सफाई करवाते हैं तो सबको डर लगता है कि मेरे दांत है वो घिस जाएंगे, मेरे दांतों का ऊपर का पड़ इनेमल चला जाएगा, मेरे दांत सब सेंसिटिव हो जाएंगे और दांतों के बीच में जगह हो जाएगी। तो आपको ऐसी कोई भी चीज होने वाली नहीं, क्योंकि हम जब यहाँ पे सफाई किया है, आपका जो साफ किया है दांत और मसूड़ा, तो पहले आपको दांत के ऊपर एक जेल लगाते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो अल्ट्रासोनिक स्केलर है, उसका टिप है जो थोड़ा वाइब्रेट करता है और उसके साथ एक वाटर जेट आता है। वो वाटर जेट है वो आपके दांतों के आसपास से कचरा, प्लाक, कैलकुलस वो सब निकालता है। तो ये जो प्रोसीजर है पूरा सही प्रोसीजर है। सफाई करने के बाद भी हम आपके दांत और मसूड़ों को पॉलिश किया है, तो ये जो प्रोसीजर वर्ल्ड वाइड फेमस है। अगर आपने सुना होगा कि यूके, यूएसए सब जगह दांतों की सफाई हर 6 महीने होती है, तो आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जो भी टेक्नोलॉजी इधर हुआ है यूज, वो आपके दांत और मसूड़ों को 0% नुकसान करता है, कुछ भी हानिकारक नहीं है, पूरा सेफ है, 100% सेफ है। तो काफ़ी लोगों को ये होता है कि मेरा सेंसिटिविटी, तो अगर 90% लोगों को ये सिस्टम से जब हम क्लीनिंग करते हैं तो सेंसिटिविटी नहीं होता है, 5 या 10% लोगों को सेंसिटिविटी होता है, वो बहुत ही टेम्पररी रहता है, बहुत ही टेम्पररी। आपको जो एक पेस्ट लिख के दिया है वो आपको अपने मसूड़े और दांत पे लगाना है, अपनी उंगली से पहले पेस्ट को दांत और मसूड़ों पे लगा के वहाँ पे 10 मिनट रहने देना है, 10 मिनट उसको वहाँ पे रखना है, फिर आपको कुल्ला कर देना है या ब्रश करके वो पेस्ट को निकाल देना है। तो आपको जो पेस्ट दिया हुआ है उसको सही से इस्तेमाल करना। अगर आपको कोई ब्रशिंग टेक्निक आपको सिखाया गया है तो वो सही ब्रशिंग टेक्निक से और माउथ वॉश प्रिस्क्राइब किया है, अगर कोई कुल्ला करने की दवाई दी है तो उसको भी आपको यूज करना है। काफ़ी सारे लोगों को यह रहता है कि हमारे दांत सफाई करवाने के बाद उसमें स्पेसिंग हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दांत के ऊपर प्लाक है, कैलकुलस है, जो आसपास में जो छारी कचरा बोलते हैं वो है, उसको हम निकाल देते हैं। दांत को जो पड़ है इनेमल, वो शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डर देन द बोन, अपनी जो हड्डी है उससे भी वो हार्ड होता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं वाटर जेट से जो सफाई करते हैं, उस वो अगर अपने नाखून पे लगाते हैं तो उसमें भी स्क्रैच नहीं होता। तो आपका जो दांत है उसका जो साइज है वो ऐसे ही वैसा है, लेकिन जो आपके दांतों के आसपास जो कचरा था वो निकल गया, तो आपको 2 से 5 दिन तक थोड़ा ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कुछ स्पेस है, तो आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। और सबसे बढ़िया बात यह है, जैसे हम आपके दांत की सफाई कर दें तो आराम से हर एक दांत को, हर एक सरफेस पे, अंदर, बाहर, ऊपर, साइड में, दोनों जहाँ पे दोनों दांत का कनेक्शन होता है वहाँ पे भी सफाई करते हैं। तो अगर दांत में कहीं पे भी कुछ भी सड़ा है या आपके मुंह में कैंसर के कोई भी मार्क है, छोटे से छोटा मार्क अगर मुँह में है, तो वो भी उस टाइम पर पता चलता है। तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और आपको विनंती करता हूँ कि हर एक को ये जागृति आप फैलाइए और सबको जागृत कीजिए, और आप भी अपना टाइम और मनी साल में एक बार, कम से कम वंस इन अ ईयर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए स्केलिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत ही फायदेकारक है आपके दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, और आपको कुछ भी कैंसर जैसा भयानक रोग है तो उसका पता आपको अर्ली से अर्ली हो जाएगा। थैंक यू सो मच फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर आनंद जसानी, सिटी डेंटल हॉस्पिटल।